Nakshin Tara's wedding is a matter of big celebration for the family, so preparations are on in full swing. However, away from traditions and rituals, Nakshin's having fun at his bachelor's party, but unfortunately he ran into trouble when Akshar and Tara's Dadaji, along with his to-be bride Tara, saw him dancing with a girl which was brought by Sangram's friend to the party for fun. Let's see how Tara and others will react to this. मेरा एक्चुअली इतना मन नहीं था, पर सब लोगों ने कहा तो मैंने भी हाँ बोल दी और बहुत मुश्किल से मम्मा और दादाजी को मनाया। तो हम जब पार्टी कर रहे थे तो बस हम अपने ही लोग थे, अपनी फैमिली के लोग थे, यश था, संजू थी, संग्राम भैया थे और दो तीन और लोग थे। पर पता नहीं कहाँ से संग्राम भाई सबके फ्रेंड्स आ गए और उन्होंने साथ में ड्रिंक्स भी पीनी शुरू कर दी और लड़की को भी ले आए साथ में। तो मैंने उनको मना कर दिया कि देखो, हमें तो यही परमिशन मिली थी कि अगर हमें पार्टी करनी है तो शांति से करनी है। तो वो उनका फ्रेंड कहता है कि हाँ, शांति से ही करनी है क्योंकि जो लड़की है उसका नाम शांति है। तो बहुत फनी सा मोमेंट था और वो ज़बरदस्ती लड़की जो है गले पड़ जाती है मेरे। और जब मैं देखता हूँ कि मम्मा और दादाजी आ रहे हैं, तो फिर सब कुछ हम लोग समेटने लगते हैं और साथ ही वो लड़की मेरे ऊपर गिर जाती है और पता नहीं कहाँ से चुन्नी आ जाती है मेरे ऊपर। और संग्राम भाई सब जब उस चुन्नी को उठाते हैं तो मैं देखता हूँ कि मम्मा और दादाजी ने मुझे देख लिया है। क्योंकि बैचलर पार्टी में लड़कियां आई हुई हैं और वो लड़कियों के साथ मैं डांस कर रहे हैं, तो मैं क्या कोई भी और लड़की होगी तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे मैं कर रही थी। तो काफ़ी रोना धोना हुआ है और भी बहुत अपसेट हो गई। आई थिंक कोई भी अपसेट होता है। पावर्ड बाय NNIS।